डार्सी जो है वो भी जाता है कहाँ पे, लॉन्गबर्न जाता है। अब ये आपने सारी स्टेट्स याद करनी है, लॉन्गबर्न है, नेदरफील्ड है, नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड है, और उसके बाद पेम्बर्ली। ये सारी स्टेट्स आपने याद करनी है कि ये किस किस तरह से हैं, ठीक है। लॉन्गबर्न है, नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड है, नेदरफील्ड, और फिर पेम्बर्ली। डार्सी की जो स्टेट थी वो पेम्बर्ली थी। और विकम की जो न्यू असाइनमेंट होती है वो कहाँ पे जाती है, नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड पे जाती है। और जो है लॉन्गबर्न जो है ये बेनेट फैमिली की स्टेट होती है जहाँ पे ये लोग रहते हैं। नेदरफील्ड जो है ये बिंगली की स्टेट होती है जो कि ये खरीदता है, लेकिन बिंगली वैसे बेसिकली लंदन में रहता है, ठीक है। कुछ अरसे के लिए वो, जैसे हम कुछ जायदाद या जमीन कुछ अरसे के लिए खरीद लेते हैं, क्योंकि उस दौर में जो लोगों का एक जिम्मेदार फैमिली होती थी ना, जो जमीनों वाले लोग होते हैं, तो उस वक्त तो एग्रीकल्चर ही पहले इन था ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन तो बहुत बाद में स्टार्ट हुई। तो लेकिन इस दौर में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गई थी, लेकिन जेन ऑस्टन ने शो किया कि गांव की लाइफ कैसी होती है। तो नॉर्मली आप देखें कि जो लोग अमीर होते हैं वो गांव की जमीनें खरीद लेते हैं, वहां पे जाके खेती बाड़ी करते हैं या जो भी उन्होंने वहां पे करना होता है वो करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे वो विलेज लाइफ जो है एक्चुअली वो दिखाई जा रही है कि किस तरीके से एक विलेज के अंदर जब एक अमीर इंसान जो है वो जायदाद खरीद लेता है तो वहां पे क्या होता है। तो यहाँ पे एंड रिज्यूम्स हिज कोर्टशिप ऑफ जेन, डार्सी गोज टू स्टे विद हिम एंड पेज विजिट टू बेनेट्स बट मेक नो मेंशन ऑफ हिज डिजायर टू मैरी एलिजाबेथ। बिंगली ऑन द अदर हैंड प्रेसेस हिज सूट एंड प्रपोजेस टू जेन। और बिंगली जो है अब फाइनली प्रपोज कर देता है जेन को, टू द डिलाइट ऑफ एवरीवन बट बिंगलीज हॉटी सिस्टर्स। व्हाइल द फैमिली सेलिब्रेट्स, लेडी कैथरीन डी बॉज पेज अ विजिट टू लॉन्गबर्न। जबकि फैमिली जो है वो ये सेलिब्रेट करी होती है कि लेडी कैथरीन डी बॉज भी जो है वो अब लॉन्गबर्न आती है। लॉन्गबर्न किसकी स्टेट है क्लास? हाँ जी, डार्सी। डार्सी का, डार्सी की स्टेट को कहते हैं पेम्बरली। पेम्बर्ली, ठीक है। तो ये अब आपने याद रखना है। और वैसे ही ये फिर मूव कहाँ कर जाते हैं, नेदरफील्ड से। नेदरफील्ड से जो बिंगली फैमिली है कहाँ मूव कर जाती है क्लास, कहाँ मूव कर जाती है नॉवल के स्टार्ट में, बल्कि मिड ऑफ द नॉवल जब छोड़ के चले जाते हैं ये बिंगली जो है स्टेट को, नेदरफील्ड, लंदन लंदन चले जाते हैं। शाबाश, ठीक है। तो ये अब आपने याद रखना है। और विकम जो है उसका जो रेजिमेंट होता है वो कहाँ पे ठहरा हुआ होता है, लिडिया जब मिलने जाती है, लिडिया जब विकम से मिलने जाती है कहाँ पे रेजिमेंट ठहरा होता है? हाँ जी, नेदरफील्ड के करीब एक एरिया होता है वहां पे ठहरा होता है। और अब वो जो है उसका रेजिमेंट जो है वो नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड की तरफ मूव कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। शी कंसर्न्स एलिजाबेथ एंड सेज दैट शी हैज हियर दैट डार्सी हर नेफ्यू इज प्लानिंग टू मैरी हर। अब वो ये शी सॉरी शी कॉर्नर्स एलिजाबेथ एंड सेज दैट शी हैज हियर दैट डार्सी हर नेफ्यू इज प्लानिंग टू मैरी हर। अब वो जो है एलिजाबेथ को एक साइड पे ले जाती है और उसको कहती है कि उसको ये पता चला है कि उसका जो भतीजा है वो शायद उससे शादी करने लगा है। सिंस शी कंसीडर अ बेनेट गर्ल एन अनसुटेबल मैच फॉर डार्सी, लेडी कैथरीन डिमांड दैट एलिजाबेथ प्रॉमिस टू रिफ्यूज हिम। अब लेडी कैथरीन उसको कहती है क्योंकि तुम जो हो अनसुटेबल हो डार्सी के लिए, इसलिए तुम उसको, तुम प्रॉमिस करो कि तुम इसको रिफ्यूज कर दोगे उसके इस जो प्रपोजल है उसको। एलिजाबेथ स्पिरिटेडली रिफ्यूजेस, और एलिजाबेथ जो है फौरन से उनको रिफ्यूज कर देती है, सेइंग शी इज नॉट एंगेज टू डार्सी, कि वो जो है कोई बिल्कुल भी एंगेज नहीं है डार्सी के साथ, बट शी विल नॉट प्रॉमिस एनीथिंग अगेंस्ट हर ओन हैप्पीनेस। लेकिन वो ऐसा कुछ प्रॉमिस नहीं करेगी जो कि उसकी अपनी हैप्पीनेस के अगेंस्ट हो। अ लिटिल लेटर लेटर सॉरी Elizabeth and Darcy go out walking together, and he tells her that his feelings have not altered since the spring. She tenderly accepts his proposal, but both Jane and Elizabeth are married.
और एंड बोथ सॉरी एंड बोथ जेन एंड एलिजाबेथ आर मैरिड और फाइनली जेन और एलिजाबेथ की शादी हो जाती है. दिस नॉवल ट्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन डार्सी एंड एलिजाबेथ हिंडर्ड बाय द प्राइड ऑफ डार्सी एंड द प्रेजुडाइस ऑफ द एलिजाबेथ. द नॉवल ऑल्सो प्रेजेंट्स अ कंट्रास्ट बिटवीन गुड एंड बैड मैरिजेस. अब नॉवल जो है वो एक कंट्रास्ट शो करता है बिटवीन गुड एंड बैड मैरिजेस. आप लोगों को थीम से पढ़ाऊंगी, जरा गौर से पढ़िएगा क्योंकि थीम ऑफ मैरिज इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. यहाँ पे गुड एंड बैड मैरिजेस की अभी आगे जाके थीम आएगी. अभी क्योंकि समरी है तो हम थोड़ा सा समरी और टाइटल की तरफ ही देखेंगे. जब मैं आपको गुड एंड बैड मैरिजेस के बारे में बताऊंगी तो हम देखेंगे कि इसके अंदर 5 शादियां हुई हैं और उसके अंदर हम डिवाइड करेंगे कि ये पूरा का पूरा नॉवल जो है वो गुड एंड बैड मैरिजेस का कॉम्बिनेशन है. टू जेन ऑस्टन फॉर अ सक्सेसफुल मैरिज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर आर एसेंशियल प्रीरिक्विजिट्स. One should not be carried away by outward appearances or love at first sight. और वो कहता है कि एक इंसान को कभी भी जो है outward appearance पे से inspire नहीं होना चाहिए, ना ही ये जो love at first sight जो है ये कोई चीज है. Marriage is a social contract and it must pass the close scrutiny of mutual understanding. वो कहता है कि मैरिज जो है वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जो कि अकॉर्डिंग टू जेन ऑस्टन वो कहता है कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है उस पे बेस करता है. दस ओनली डार्सी एंड एलिजाबेथ मैरिज कम अप टू दिस अंडरस्टैंडिंग टू दिस फ्रेंड. और इस वजह से डार्सी और एलिजाबेथ की जो मैरिज है वो इस स्टैंडर्ड के ऊपर जो है वो बेस करती है कि मैरिज जो है वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जो कि क्लोज स्क्रूटिनिटी ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो तो इंसान को शादी करनी चाहिए, अदरवाइज नहीं करनी चाहिए. जेन ऑस्टन का ये कहना था. जेन ऑस्टन ये कहती है कि भाई इंसान पहले शादी करने से पहले देख ले कि उस इंसान के साथ जो है उसकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि नहीं हो सकती. लेकिन यकीन जानिए कि बेटा ये जो कहानियां हैं, मैंने अब कल भी आप लोगों को एक बात समझाई थी, कहानियां ज़रूर पढ़िए लेकिन जैसे बेकन ने कहा था ना कि कुछ बुक्स होती हैं जिनको क्यू किया जाता है, कुछ को सिर्फ टेस्ट किया जाता है, कुछ को सिर्फ टेस्ट किया जाता है, कुछ को च्यू किया जाता है, कुछ को डाइजेस्ट भी किया जाता है. तो ये किताबें इंसानों ने लिखी हैं और अगर किसी नॉवलिस्ट ने लिखी दी है और वो अगर कोई जो है जैसे हम लोग बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं एक्चुअली अंग्रेज़ों से, ठीक है, हम लोग बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं यूरोप एंड अमेरिका से और ये इंस्पिरेशन इट इज़ द पार्ट ऑफ इम्पीरियलिज्म. हमने इम्पीरियलिज्म के अंदर पढ़ा और इम्पीरियलिज्म में हम यही देखते हैं जो वो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. तो ये जो चीज़ है ना, ये कॉन्सेप्ट आज हमारी सोसाइटी में आ चुका है कि शादी से पहले अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसी चक्कर में कई मंगनियाँ भी टूट जाती हैं, ठीक है. तो मंगनी के बारे में तो इस्लाम में तो यही है कि भाई आपने रिश्ता देखा और जो है विद इन सम डेज यू हैव टू आफ्टर एंगेजमेंट आपकी शादी हो जाती है, ठीक है. और ये जो दो दो तीन तीन साल लंबी मंगनी है इनसे बड़ा प्रॉब्लम होता है. रिमशा सम अच्छा सम खरीदिए और स्टिकी नोट्स खरीदने के बाद जो है ये जो हम लोग टीचर्स के पीछे भागना शुरू कर देते हैं, नोट्स के पीछे भागना शुरू कर देते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक ग्रुप्स पता नहीं क्या 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 क्या, बेटा इसको छोड़ दीजिए, ठीक है, लीव कर दें सारे. इससे ना टाइम बहुत वेस्ट होता है. एक दफा आपने एक फेसबुक ग्रुप खोला नहीं और आपका टाइम वेस्ट हुआ था. या फिर आपने व्हाट्सएप ग्रुप अगर आपने पब्लिक बेटा ज्वाइन किए हुए हैं, काइंडली लीव देम, वहां पे कुछ भी नहीं हो रहा सिवाय नोट्स शेयरिंग के. बहुत टाइम वेस्ट होता है इन चीजों में. और कोशिश करें मोबाइल यूज करने का ना एक टाइम रख लें कि मैंने दिन में सिर्फ आधा घंटा जो है ना ब्रेक लगाएं इन चीजों को. मैंने सिर्फ दिन में आधा घंटा मोबाइल यूज करना है और उसी के अंदर मैंने जो भी आज की जो भी हिसाब किताब है मैंने वो देखना है. जब आप फोकस्ड होके पढ़ेंगे बेटा उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा. देखिए मैंने स्टार्टिंग में एक ही क्लास शुरू की थी, दैट इज एम ए इंग्लिश लिटरेचर पार्ट वन क्लासेस, ठीक है. जो मेरा पहला बैच था सिर्फ एक बैच था, मैं पार्ट टू को उस वक्त नहीं पढ़ाती थी. मैंने एक पार्ट उठाया, बहुत सारे लोग आए मैम पार्ट टू पढ़ाए, मैं पढ़ा सकती थी लेकिन मैंने कहा नहीं
पहले मैं एक पार्ट फोकस्ड होके पढ़ाऊंगी, फिर मैं नेक्स्ट पार्ट पे चलूंगी। और ये मेरी आदत है कि मैं थोड़े थोड़े एरिया पे काम करती हूँ, थोड़े एरिया पे काम करती हूँ, लेकिन मैं फोकस्ड होके और क्वालिटी काम करती हूँ। आपने भी बेटा अपनी जिंदगी को ऐसे ही करना है। बहुत सारी चीजों में पंगे मत लीजिए, एक चीज को देखें, फोकस्ड होके पढ़ें। अब प्राइड एंड प्रेजुडाइस है, आपके हाथ में ये बुक है, पहले इसको पढ़ें, जो है पहले उसको पढ़ें, फिर अगर इसमें से आपको कोई पॉइंट नजर नहीं आता तो फिर मेरी एक्स्ट्रा नोट्स खोलें जो मैं आपको शेयर करती हूँ, अदरवाइज जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है इसमें कोर्स कम है, दूसरी किताब उठाएं, उसमें से कोर्स निकालें, चले जी ऐड कर दी। क्योंकि देखें, रट्टा ना आप इसको लगा सकते हैं, रट्टा ना आप NKM को लगा सकते हैं, रट्टा ना आप करंट को लगा सकते हैं, रट्टा ना आप किसी और के नोट्स को लगा सकते हैं। एग्जामिनेशन हॉल में जाके आपने खुद ही लिखना है। सो जस्ट मेक द पॉइंट्स, जस्ट मेक द पॉइंट्स, ठीक है। तो ये बेटा कुछ चीजें। दूसरा, अपनी जिंदगी में से जो ऐसी चीजें जिसके बगैर जिंदगी गुजर सकती है ना, उसको कट डाउन करते हैं। एक्स्ट्रा गॉसिप, एक्स्ट्रा मैसेजिंग, एक्स्ट्रा व्हाट्सएप को स्क्रॉल करना, एक्स्ट्रा फेसबुक देखना, एक्स्ट्रा सोचना, एक्स्ट्रा बोलना, अल्लाह को ये बहुत ज्यादा जो है ना, ये एक्स्ट्रा वेगेंस अल्लाह को फजूल खर्ची पसंद नहीं, और फजूल खर्च को कहा गया कि वो शैतान का भाई है। तो बेटा ये सारी चीजें ना, ये जो ऐसी चीजें जिनके बगैर हमारा गुजारा हो सकता है, हर वक्त बाहर घूमना, हर वक्त फ्रेंड को फोन कर करके, अब लड़कियां व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन कर तो लेती हैं, उसी के बीच में फ्रेंड्स बना लेती हैं, फिर उन्होंने सारियों को फोन करना होता है। दैट इज द रॉन्ग थिंग। और मुझे कई लड़कियों के बारे में ये बात पता चलती है, एंड दैट इज रियली वेरी रॉन्ग, कि अगर एक लड़की ने ग्रुप के अंदर शेयर कर दिया अपना टेस्ट, और बेस्ट टेस्ट है, सारी तीन चार लड़कियां तो जरूर उसको इनबॉक्स करेंगी, जरूरत नहीं है ना। वो इनबॉक्स करते करते बात कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है। तो आपने ऐसा नहीं करना, ठीक है। देखिए, हर चीज के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने घरों के दरमियान फासला रखो, यानी कि इतने मीठे ना हो जाओ कि जब लड़ाई होने पे आए तो वो बहुत ज्यादा हो जाए। जब हम बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो फाइनली बात बहुत बढ़ जाती है, और अक्सर ऐसा होता है। सो बी केयरफुल अबाउट दैट। ये बेटा एक टीम है, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, ये एक टीम है, और जमात पे अल्लाह का हाथ होता है। ये आपका ग्रुप है, ये खाली मेरा ग्रुप नहीं है, मैम आसमा की क्लासेस नहीं है, ये आपकी क्लासेस है। आपने इसके अंदर पार्टिसिपेट करना है। यू आर अ पार्ट ऑफ माई टीम, आप मेरी टीम का हिस्सा हैं, ठीक है। आप मेरे स्टूडेंट्स हैं, आपने इस क्लास की हार्मनी को अब आपने बरकरार रखना, ठीक है। और एक्स्ट्रा चीजें जब आप निकाल देंगे अपनी लाइफ से, आप देखिएगा कि एक घंटे में जब आप पढ़ेंगे ना, क्योंकि एक्स्ट्रा सोचने को कुछ है नहीं, आपको प्रॉपर नींद भी आएगी, आप प्रॉपर पढ़ेंगे भी। जब आप पढ़ने बैठते हैं तो काइंडली मोबाइल को उठा के दूसरे कमरे में रख दिया करें। किताब को उठाने के बाद आपने मोबाइल नहीं उठाना, क्योंकि वो बार बार ब्लिंक होता है और बार बार फिर आप डिस्टर्ब होंगे, उठा के साइड भी करते। हाँ, जो माएँ हैं, अगर उनका बच्चा आता है कमरे के अंदर कि मामा मुझे कोई चीज़ चाहिए, फिर बुक बंद कर दें, पहले बच्चे को देखें, पहले घर को देखें, और अपने वक्त में से जो है अपने पढ़ाई का टाइम निकालें। बच्चों की और फैमिली की टाइम में से आपने ये नहीं कहना कि जी अब बच्चे के नाश्ते का टाइम है, ओहो मैं तो सुबह 9 बजे सो के उठी थी, अब मैं बच्चों को भी देखूँ, मैं नाश्ता बनाऊँ कि मैं अब क्या क्या करूँ। यू हैव टू मैनेज। काम बंदे को बेटा कुछ नहीं कहते, यकीन जानिए काम बंदे को कुछ नहीं कहते। जब देखिए, आप मेरा इंटरेस्ट है ना, आपका इंटरेस्ट है ना इंग्लिश लिटरेचर, आप इंग्लिश लिटरेचर की क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है। अगर इंटरेस्ट होगा कि जी मैंने बाहर जाना, हम बाहर निकल जाएंगे, तब तो नहीं हम थकते, क्योंकि इंटरेस्ट होता है। तो इंटरेस्ट लेके जब आप पढ़ेंगे ना, आप ये मत सोचे हाई डिग्री, हाई पेपर, हाई ये सारा कुछ, आप ये सोचें कि इन किताबों में कोई ना कोई हिकमत की बात होगी, जो कि अगर मैं सीख गई तो हो सकता है मेरा व्यू पॉइंट चेंज हो जाए, हो सकता है मैं मज़ीद अच्छी हो जाऊं, हो सकता है मैं मज़ीद अल्लाह की और लोगों के करीब हो जाऊं, ठीक है, हो सकता है कि मेरी पर्सनालिटी मज़ीद ग्रूम कर जाए। तो बेटा जब आप इस एकेडमी से निकलेंगे तो लोगों को पता चलना चाहिए कि कोई एम ए इंग्लिश लिटरेचर का, किसी ने एम ए इंग्लिश लिटरेचर किया है,
जिनके आपको वॉइस मैसेजेस शेयर किए थे, ही इज एमफिल इन इंग्लिश लिटरेचर एंड ही इज रनिंग एकेडमी इन साहिवाल. कैन यू इमेजिन दैट? एंड हैव यू लिसन द वॉइस मैसेजेस कि एक इंसान एमफिल इंग्लिश लिटरेचर और उसको बात करने की तमीज नहीं है, और वो बंदा ये कह रहा है कि मैंने जो है पता नहीं कहाँ कहाँ से इंग्लिश के कोर्सेस किए हैं. तो बेटा आप ठीक है वो इस तरह कह, लेकिन हमें ऐसे नहीं बनना. यस ESL हमें ऐसा नहीं बनना. सो बी केयरफुल अबाउट दैट कि पढ़ा लिखा जाहिल नहीं बनना. पता चलना चाहिए, बात करें तो पता चलना चाहिए. स्पीक लाइक दिस, पीपल वॉन्ट टू लिसन यू, पीपल लव टू लिसन यू. And listen like this, people love to talk with you. लोगों का दिल करे मैं इस बंदे से बात करूं. ऐसा ना हो जिस तरह एक